हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, हमारी जनरल साइंस की सीरीज चल रही है। यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। अगर आप प्रयोगशाला से आय का पेपर भर चुके हैं और आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप प्रयोगशाला सहाय का ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। अदर कोर्सेज भी आप वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए वेदाशी लर्निंग ऐप और वहाँ से इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी हम जनरल साइंस का अपना भौतिकी के जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसमें हम कार्य और ऊर्जा को पढ़ रहे थे, और आज के मैं इस वीडियो में आगे आप लोगों को ले चलता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जो हमारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी थी। किस किस प्रकार की एनर्जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ कि गतिज ऊर्जा हमारे किसी भी वस्तु के गति में होने की वजह से होती है उसके अंदर, और स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति में होने की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ गतिज ऊर्जा के बारे में समझते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर एक यहाँ पर एक वस्तु है और ये इस दिशा में क्या कर रही है, गति कर रही है, तो इसमें जो ऊर्जा होगी उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा का यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो निकालने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इन जो भी हमारी ऊर्जाएं होती हैं उनकी इकाई क्या होती है ना, उनकी मात्रा क्या होती है। मात्रा हमारी क्या होती है, उसको कहते हैं हम जूल। ठीक है, राइट, जूल। तो जूल इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जब भी हम एनर्जी के बारे में लिखेंगे, ऊर्जा के बारे में लिखेंगे, कोई भी वैल्यू उसका परिमाण निकालेंगे, तो उसका जो इकाई होगी, उसका जो मात्रा होगी, वो हम जूल में दिखाएंगे। इसका जो शॉर्ट में दिखाया जाता है वो जे से दिखाया जाता है, और इसको किलो जूल में भी बताया जाता है। एक किलो जूल हमारे 1000 जूल के बराबर होता है, तो किलो जूल को हम इस तरीके से लिखते हैं, के जे करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक स्थिति लेते हैं। अगर किसी स्थिति में हम देखिए गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो गतिज ऊर्जा में जो भी वस्तु है उसमें गति होनी चाहिए। तो गति होने के लिए हम मान लेते हैं कोई वस्तु है जो जिसने अपना अपनी गति स्टार्ट करी, और इनिशियली जो उसकी स्पीड थी वो यू थी, और वो कितनी थी, जीरो थी, वो अपने स्थिर थी, और उसके बाद वो कुछ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर आगे को चलने लग गई, मतलब एक निरंतर एक ही वेलोसिटी से, वेग से वो आगे को बढ़ने लग गई। ये कुछ एक्स हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर या फिर हम वी मान रहे हैं इसे। ठीक है, तो वी हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये वस्तु एक दिशा में चलती चली जा रही है। अब हमें निकालना है इसमें कितनी इसकी क्या होगी गतिज ऊर्जा, इसमें कितनी है। तो यहाँ पर मैं हेल्प लेने वाला हूँ जो हमारे तीन हमारे समीकरण थे, गति के समीकरण थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन थे, उसमें से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as होता है हमारा। ठीक है, अब s में हम लोग ये जानते हैं s को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर s इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर ये s एलिमिनेशन में कहाँ यूज़ करने वाला हूँ, मैं जानता हूँ। देखिए कोई भी कार्य करने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो कार्य जब किया जाता है वो किसके बराबर होता है, वो ऊर्जा के बराबर ही होता है। जैसे ये बॉक्स को यहाँ से यहाँ जाने में जो भी कार्य करना पड़ा उतनी ही ऊर्जा उसके अंदर रही होगी, है ना, उतनी ऊर्जा उसके अंदर समाई होगी। तो यानी कि कार्य और ऊर्जा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कार्य के लिए हम न्यूटन मीटर जो है वही हमारा ऊर्जा के रूप में हम उसे क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है। तो यहाँ पर हम एस को यहाँ से लाके अगर यहाँ रख दें तो एफ इज इक्वल्स टू एफ इंटू क्या हो जाएगा हमारा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a, राइट। F को हम क्या लिख सकते हैं, हमें जो दूसरा नियम है, गति का दूसरा नियम है उसके, उससे पता है F इज इक्वल्स टू एम ए होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a आ गया, एम ए हमारा हो गया, ये हमारा वर्क हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a से a कैंसिल हो जाएगा, राइट। अगर ये वस्तु प्रारंभिक में क्या थी, स्थिर थी, तो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, प्रारंभिक गति क्या हो जाएगी, प्रारंभिक वेग इसका शून्य हो जाएगा। तो m इंटू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर ओवर 2। तो यहाँ से हमारा फार्मूला आ जाता है 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारा किसका हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ पर जो कार्य है और जो ऊर्जा है वो दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। तो यानी कि मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने साइन बना दिया ई के,
मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसको कितनी जगह के ई करके भी लिखा जाता है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन इसका फॉर्मूला हमारा यहाँ पर निकल आता है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। तो कभी भी हमें अगर कोई सवाल दिया है जहाँ पर हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो डायरेक्टली जो भी वस्तु है उसका द्रव्यमान गुणे वो कितने वेग से चल रहा है, उसका अंतिम वेग कितना है, उससे हम उसको क्या करते हैं, उसका स्क्वायर, ठीक है, उसका वर्ग से हम इसे मल्टीप्लाई अपॉन किससे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। ये हमारा वैल्यू किसकी आ जाएगी, गतिज ऊर्जा की आ जाएगी, तो उसकी इकाई हमारी जूल रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से अब हम समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारा किस वजह से होता है, जो पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसी वस्तु की उसकी परिस्थिति की वजह, उसकी स्थिति की वजह से होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पर समझने के लिए समझते हैं, जैसे आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि आप एक स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो स्प्रिंग लंबा हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही उसे छोड़ते हैं तो वो वापस क्या हो जाता है, अपनी स्थिति पर आ जाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है, जो एनर्जी, जो ऊर्जा उसके अंदर स्टोर हो जाती है, वो एनर्जी, वो ऊर्जा बेसिकली स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति की वजह से होती है, राइट। क्योंकि स्प्रिंग एक इलास्टिक चीज़ है, तो उसको अगर मैं विस्थापित भी करता हूँ तो वापस जैसे ही मैंने फोर्स हटाई तो फोर्स हटाते ही, बल हटाते ही वो अपनी स्थिति में आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है वो उसे वापस उसी की स्थिति में आने में हेल्प करती है। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपने एक बांस का एक डंडा है, उस बांस के डंडे से आपने क्या किया, देखिए बांस क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, अगर आपने उसे क्या किया इस तरीके से एक तरफ को उसमें फोर्स लगाया तो क्या होगा, वो इस तरीके से झूल जाएगा, जैसे ही आप छोड़ोगे तो वापस अपनी स्थिति में सीधा होके हो जाएगा। तो यानी कि उसमें क्या आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, स्टोर्ड एनर्जी, वो वापस उसको उसी स्थिति में आने में हेल्प करती है। अब यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है स्थितिज ऊर्जा किसी ऊंचाई पे। तो हम हमेशा मानते हैं कि भाई एक एक ये तल है आपका, ये तल से ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, उस ऑब्जेक्ट को ऊपर तक, वहाँ तक, उस वस्तु को ऊपर तक ले जाने में जो ऊर्जा, जो वर्क डन होगा, वही उतनी ऑब्जेक्ट में, उसी वस्तु में उतनी ऊर्जा आ जाएगी। तो मान लीजिए ये एच हाइट हो गई, जिस हाइट पर हम इसको ले गए हैं, और इस वस्तु का द्रव्यमान एम है, तो मैं जब इसे ऊपर ले जा रहा हूँ तो मैं गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, इसके नीचे को जो फोर्स लग रहा होगा वो mg लग रहा होगा, ठीक है, इतना ही मेरे को उसको ऊपर ले जाने में, तो mg नीचे को फोर्स लग रहा है तो मेरे को ऊपर को mg फोर्स लगाना पड़ेगा, और मैंने इसे किसका विस्थापित किया है, h विस्थापित किया है, तो इसको ऊपर इस हाइट h तक ले जाने में मेरे को कितना वर्क करना पड़ा, मेरे को वर्क करना पड़ा mg, जो फोर्स ये नीचे को लग रहा था उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ, और h मेरा क्या होगा, हाइट हो गई जितना मैंने उसे विस्थापित किया। तो वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, s होता है, तो s हमारा इस केस में क्या हो गया, इस केस में जो s है हमारा वो क्या है, h है, ये h है, और ये हमारा बल है, जितना बल मेरे को लगाना पड़ा, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, कार्य आ गया। तो इसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट सम हाइट, तो कितना हाइट पे है ये पोटेंशियल। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला यहाँ से निकल आ जाता है, ई पी हम इसे लिखेंगे, आप इसे पी ई भी लिख सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी को मैंने कहा के ई भी लिख सकते हैं, ऐसे ही पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा को पी ई भी लिख सकते हैं, यहाँ मैं ई पी लिख रहा हूँ, और इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एम जी एच हो जाएगा। तो हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले आ गए, किसके, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के, मैं यहाँ पर सेपरेटली लिख दे रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का हमारा फार्मूला हो गया 1/2 एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फार्मूला हो गया 1 हमारा एम जी एच हो गया, ठीक है। तो ये दो फार्मूले इम्पॉर्टेंट हैं हमारे। अब आपने अपनी डेली लाइफ में ये देखा होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि कोई चीज़, जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं और साइकिल पे मैंने ब्रेक लगाए तो ब्रेक ने क्या हुआ, घर्षण पैदा किया, और उस घर्षण से क्या हुआ, साइकिल का जो पहिया है वो रुक गया। लेकिन उसी वक्त अगर हम ब्रेक्स के जो पैड्स होते हैं जिनकी वजह से ब्रेक लगा है उनको अगर हाथ लगाएं तो गर्म हो चुके होते हैं, और बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ में हमारे घटनाएँ होती रहती हैं, है ना, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिन जिन घटनाओं को देख के आप एक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो
कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा क्या रहती है, एक समान कांस्टेंट रहती है हमेशा, ठीक है, अचर है वो, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो कुल ऊर्जा होती है किसी भी सिस्टम की, किसी भी वस्तु की, वो क्या रहती है, हमेशा वो अचर रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ से एक नियम हमारा निकल के आता है जिसको कहते हैं हमारा, वो नियम है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब किसका नियम, ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ऊर्जा का संरक्षण का नियम हमारा जो होता है वो हमें ये बताता है कि ऊर्जा ना तो क्या होती है, ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ना तो ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। सिर्फ ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतरण होता है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि घर्षण की वजह से जो आपके साइकिल के ब्रेक पैड जो गर्म हो गए, तो जो ऊर्जा उसमें घर्षण में जो ऊर्जा गई, वो ऊर्जा कहीं नष्ट नहीं हुई, कहीं गायब नहीं हो गई, वो क्या हो गई, वो आपकी जो थर्मल एनर्जी है उसमें कन्वर्ट हो गई, ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने जो भी ऊर्जा एक स्प्रिंग को खींचने में लगाई, वो वापस से स्प्रिंग अपनी स्थिति में आ गया, तो उसके अंदर जितनी ऊर्जा थी, वो जो ऊर्जा मैंने लगाई, वो ऊर्जा किसके अंदर जाके स्टोर हो गई, स्प्रिंग के अंदर जाके स्टोर हो गई। जैसे ही मैंने छोड़ा स्प्रिंग को, बल लगाना उस पर हटाया, तो उसी समय स्प्रिंग वापस अपनी स्थिति में आ गया, क्योंकि जो ऊर्जा मेरे लगाए हुए बल की वजह से उसके अंदर स्टोर हुई थी, उसी ऊर्जा ने उसे वापस आने में मदद करी। तो टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। और यहाँ पर हम कहते हैं द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर be destroyed, it can only be transformed from one form to another, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ऊर्जा ना तो क्या करी जा सकती है, उत्पन्न करी जा सकती है, क्रिएटेड करी जा सकती है, और ना ही उसको क्या करा, उसका विनाश हो सकता है। सिर्फ ऊर्जा का क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना उसका विनाश हो सकता है, सिर्फ ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण हो सकता है। तो ये हमारा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आ गई, जो कुल ऊर्जा है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और यहाँ पर कुल ऊर्जा की अगर हम बात करें, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम मेरे को क्या कहता है कि भाई अगर कुल ऊर्जा किसी भी सिस्टम की है, किसी भी इकाई की है, वो हमेशा क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, अचर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा हाफ, ये हमारा हो जाएगा एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जिसको मैं हिंदी में अचर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार जो ऊर्जा होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ तक आप लोगों को इस लेक्चर में मैंने बताया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों के फॉर्मूले हमने बताए आपको। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जैसे हमारी स्थितिज ऊर्जा की बात कहूँ मैं, तो ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होती है। किसी ऑब्जेक्ट को मैं और आप, आपने क्या किया, मैं और आप हैं, आप अपने आप को इमेजिन करो, आप एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाओगे, आप जाओ किसके किससे, आप लिफ्ट से जाओ और मैं सीढ़ी से चले जाऊं, है ना। लेकिन जब हम टॉप फ्लोर पर खड़े होंगे तो हम दोनों ही व्यक्तियों में जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो हमेशा बराबर होगी। मतलब स्थितिज ऊर्जा जो पथ होता है उस पर निर्भर नहीं करती है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, ये बॉक्स मैं एक बार सीधे तरीके से ऊपर यहाँ तक ले गया
और दूसरी बार मैं इस बॉक्स को मैं इस तरीके से यहाँ तक ले गया, तो दूसरी दोनों ही समय पे जो हाइट है, जो इसकी एच है, वो दोनों ही बराबर है। तो दोनों केस में जो बॉक्स में स्थितिज ऊर्जा होगी वो हमेशा बराबर होगी। तो ये पथ पे निर्भर नहीं करती है, राइट। दूसरा, इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ जो मोशन होता है, जो वेग होता है और जो मास है, देखिए जो हमारी चीज़ हैं इन पर डिपेंड कर रही है, जैसे एम वी स्क्वायर, तो मास और इसके वेग पे ही, द्रव्यमान और वेग पे ही निर्भर करेगी, पाथ पे निर्भर नहीं करेगी किस भी तरीके का पाथ, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इनके फॉर्मूले। अब इसके बाद मैंने आपको जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसको भी बता दिया है, ठीक है। इसका डेफिनेशन आपको क्लियर रहना चाहिए, इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, जिसको हम एमसीक्यूज में देखेंगे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में आप लोगों को मैं थोड़ा सा पावर के बारे में बताऊंगा और हम अपना बाकी जो एमसीक्यूज हैं न्यूमेरिकल्स हैं उनको करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू, धन्यवाद। फॉर 4 ऑनलाइन कोर्सेज डाउनलोड वेदाश्री लर्निंग ऐप।